Assalamualaikum dear students, today is 20th May 2020 and this is unit 1, all things bright and beautiful, जिसको हमने complete कर चुके हैं, जिसको हम, ठीक है, today we'll take a review of this unit, हमने इसमें क्या किया, learn किया, ठीक है, उसका एक short view हम लेंगे, ठीक है, first of all, we learn hard and soft sounds of C and G, जिसमें मैंने आपको बताया था टू पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे कि व्हेन सी और जी कंबाइंस विद ए ओ और यू वोवल्स के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये हमेशा हार्ड साउंड देते हैं एंड व्हेन सी और जी कंबाइंस विद ई आई और वाई जब ई आई और वाई वोवल्स के साथ ही कंबाइन होते हैं तो ये हमेशा सॉफ्ट साउंड देते हैं ठीक है फिर हमने एक्टिविटी में इसको सीखा भी बहुत ईजीली हमने पिक कर लिया हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स ऑफ जी को ठीक है सेकेंडली वी लर्न वोकेबलरी फोकस वी इम्प्रूव आर वोकेबलरी थ्रू दीज न्यू वर्ड्स के ज़रिए हमने अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव किया ओके थर्डली राइमिंग वर्ड्स को सीखा जिसमें मैंने आपसे कहा था कि राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स एक रिदम पैदा करते हैं ये पोएम में ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऑल स्मॉल सिंग्स विंग्स टेल वेल ओके राइट ठीक है फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया ठीक है जिसने अभी भी इसको नहीं किया वो आज ज़रूर इस होमवर्क को करे ठीक है मेक मोर राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड गिवन बिलो ठीक है राइट देन वी सॉल्व क्वेश्चंस देन वी सॉल्व राइमिंग पेयर्स को हमने सॉल्व किया सेंटेंसेस में मैंने इसको यूज़ किया था और मैंने आपको ये ऑल्सो आई गिवन टू यू इट एज़ अ होमवर्क मैंने आपको होमवर्क के लिए भी इन सेंटेंसेस को दिया था ठीक है जिन्होंने अभी तक ये नहीं किए वो आज मस्ट इसको सेंटेंस में चेंज कर लें इन राइमिंग पेयर्स को ठीक है ग्रामर फोकस में हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की थी जिसमें मैंने आपको कहा था काउंटेबल नाउन्स जो हैं दैट आर द वर्ड्स आर द फोर थिंग्स दैट वी कैन काउंट countable nouns को हम count कर सकते हैं बहुत easily ठीक है और they have singular and plural forms also इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने पढ़ा द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट ठीक है एंड ऑल्सो दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स इनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती ठीक है लाइक वाटर वाटर को मैं प्लूरल में नहीं चेंज कर सकती लाइक वेदर फर्नीचर ठीक है और इसके बाद हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था ठीक है कि जिसमें टू मेन पार्ट्स एवरी सेंटेंस में होते हैं एक सिंपल सब्जेक्ट होता है और एक सिंपल प्रिडिकेट होता है काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहा जाता है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिडिकेट ठीक है ये दिस वॉज द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लास्ट में हमने सिलेबल डिवीजन को डिस्कस किया था ठीक है मैंने मुख्तलिफ वर्ड्स आपको सिलेबल में चेंज कर दिखाए थे एंड देन आई विल गिवन यू दिस एक्टिविटी के वर्ड्स को तलाश करें सर्च करना है आपने वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड्स को डिवाइड देम इन सिलेबल्स आल्सो एंड देन नंबर ऑफ सिलेबल्स हाउ मैनी नंबर्स आर इन दे इन दीज सिलेबल्स वो भी करें अभी भी अगर किसी ने ये एक्टिविटी भी नहीं की हुई तो आज प्लीज़ इसको काइंडली इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें ठीक हो ठीक है ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़